ऑलराइट गाइस, तो आज बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आपको किस टाइप की टेबल चाहिए होगी, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कुछ टाइम पहले, 2-2.5 साल हो गए होंगे। उस वीडियो को देखने का आज की डेट में कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज द अपडेटेड वीडियो। नाउ ये वाली जो टेबल आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस टेबल को आप बहुत टाइम से देखते आए हो मेरे वीडियोज में। आई गेस इसको भी काफी टाइम हो चुका है, 1-1.5 साल से नहीं ज्यादा ही इसको हो गया होगा यूज करते हुए। एंड अभी रिसेंटली मैंने देखा काफी सारे इंडिया में जो YouTube चैनल्स हैं म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने न्यू टेबल पे अपग्रेड करा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने उसी वाली टेबल पे अपग्रेड करा है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यूनिकनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेबल के बारे में म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, एंड किस टाइप की टेबल आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। नाउ मैंने जिस टेबल को चूज करा है वो है अर्गो यू की तरफ से आने वाली हाइट एडजस्टेबल टेबल। नाउ आप कहोगे हाइट एडजस्टेबल टेबल, इसमें तो रैक्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जिस तरीके का काम है, मुझे रैक्स की जरूरत नहीं है। एज सच मैं हार्डवेयर यूज नहीं करने वाला हूँ, ना अभी ना इन फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ। सो इसलिए मुझे वो रैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं चाहता था कि ऐसी टेबल को मैं चूज करूँ जो मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करे एंड कस्टमाइजेबल भी हो, साथ में एक अर्गोनॉमिक टेबल। हाँ जी, अर्गोनॉमिक टेबल हो तो ज्यादा काम करने में मजा आएगा, बिकॉज हाइट एडजस्टेबल टेबल जो है उसको आप हाइट एडजस्ट कर ही सकते हो एंड खड़े होके भी काम कर सकते हो, साथ में बैठ के तो आप काम कर ही सकते हो। एंड पर्टिकुलरली इस कंपनी को मैंने क्यों चूज करा है, कुछ फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है इनकी वेबसाइट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हो, इवन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मैनुअल टेबल्स भी मिलती हैं, उसको आप मैनुअली हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, प्लस मोटराइज टेबल्स भी हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जस्ट एक क्लिक से आप अपने टेबल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो चूज करा है मॉडल, दैट इज द टॉप नॉच हाई एंड वाला मॉडल, बट आप यहाँ पे काफी सारी चीजें सेपरेटली बाय भी कर सकते हो। अगर आपको टॉप लेना है सो वो भी अवेलेबल है, अगर आपको नीचे का सिर्फ बेस चाहिए सो वो भी आप अलग से सेपरेटली परचेस कर सकते हो। सो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं, दैट इज द रीजन मैंने इस कंपनी की टेबल को चूज करा है। एंड एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, वो फीचर मुझे और किसी भी टेबल में और किसी भी कंपनी की टेबल में नहीं मिला है। ये जो टेबल है आपको दो पार्ट्स में मिलती है, फर्स्ट दिस इज द टॉप एंड यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसमें इसका बेस है, इसका स्टैंड है जिसमें मोटर्स हैं, सारी चीजें इसमें ही हैं। इसका वेट भी है लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। साथ में एक चीज़ और आई है जो कि है एक केबल मैनेजमेंट के लिए ट्रे। सो इसको तो बाद में ही देखेंगे, मेनली अभी हम जो है इसको सेटअप करेंगे। नाउ इंस्टॉलेशन वीडियो अगर आप देखोगे सो हो सकता है जिसके पास ये टेबल नहीं है वो बोर हो जाए। सो इंस्टॉलेशन प्रॉपर जो इसकी है उसकी वीडियो आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अनलिस्टेड वीडियो होगी। बाकी इस टेबल को जल्दी से मैं सेटअप करता हूं एंड इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सेटअप कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख ही सकते हो। नाउ बात करते हैं इस टेबल के बारे में। ये टेबल E3 सीरीज का मॉडल है एंड दिस इज टॉप ऑफ द लाइन मॉडल जिसमें आपको डुअल मोटर्स मिलती हैं। फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग में आपको मोटर्स मिलती हैं एंड यहाँ पे जो इसकी हाइट है उसको आप 3 स्टेज तक एडजस्ट कर सकते हो। इसके टॉप में आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट इज द मैपल विच इज द लाइट शेड एंड सेकेंड इज द वॉलनट जो मैंने चूज करा है। इसमें आपको साइजेस भी दो मिल जाते हैं, जो मैंने चूज करा है वो साइज है 1500x750mm, ये बड़ा साइज है। अगर आपको छोटा साइज लेना है सो वो भी अवेलेबल है, विच इज 1200x600mm। इसका जो टॉप है वो इंजीनियर्ड वुड से बना है एंड इसकी फिनिश सुपर्ब है, एकदम सुपर्ब है। अगर आप इसको हाथ लगाते हो सो कहीं से भी आपको अनइवन नहीं लगता है, इवन जो इसके कॉर्नर्स हैं एंड एजेस हैं उसमें भी क्वालिटी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करी है। एंड यहाँ पे इवन अगर मैं बिल्कुल साइड्स में अपने नेल से यहाँ पे वो लाइन ढूंढने की कोशिश करूँ जो कि एक बिल्कुल साइड में रहती है, सो वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो फील नहीं कर पा रहा हूँ लाइन में, बिकॉज जो इसका फिनिश है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करा है कंपनी ने। इसके फ्रेम में भी आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट इज द ब्लैक एंड सेकंड इज द व्हाइट जो मैंने चूज करा है एंड ये स्टील का बना है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है एंड स्टर्डी है एंड बहुत ही ज्यादा हैवी है। अगर आप सोच रहे हो आप अकेले इसको हिला लोगे तो बिल्कुल भी नहीं, कम से कम दो बंदे चाहिए इस टेबल को हिलाने के लिए। अगर आप जोर से इसको पुश भी करोगे ना तो शायद ये 1 इंच थोड़ी सी हिले। एंड इसका जो यहाँ पे फिनिश है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पे यूज किया है पाउडर कोटिंग का। इसकी क्वालिटी के बारे में मैंने आपको काफी बता दिया है, अब मेन चीज पे आते हैं जो कि मेन फीचर है हाइट एडजस्टेबल, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक अभी आप देख सकते हो दिस इज माई पोजिशन एंड यहाँ से जस्ट एक क्लिक से मैं इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड इसमें आवाज़ भी बहुत कम हो रही है एंड यहाँ पे आराम से हाइट को एडजस्ट मतलब आप कर सकते हो जस्ट
एक क्लिक से। एंड इसकी जो कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है, दैट इज 120 kg। मैं इस पे खुद भी बैठ जाऊं ना, तब भी ये डेस्क मुझे ऊपर ले जाएगी बहुत ही आराम से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डेस्क में आपको दो मोटर्स मिलती हैं, सो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि अगर ये खराब हो जाएंगी तो क्या होगा। तो इस चीज की भी टेंशन मत लो, बिकॉज कंपनी आपको 2 साल की वारंटी देती है। एक फीचर के बारे में मैंने आपसे बात करी थी जो मुझे और किसी भी कंपनी की टेबल में नहीं मिला है, सिर्फ इसमें है, वो क्या, एंटी कोलिजन का। नाउ वो एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर टेबल ऊपर जा रही है एंड कुछ चीज अगर हिट कर गई, लाइक यहाँ पे अभी ऊपर जा रही है टेबल जैसा कि आप देख सकते हो, एंड कुछ चीज ने हिट करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, हल्की सी टेबल रुकी, उसके बाद नीचे हो गई, सो दैट अगर कुछ आपका अटक गया है वहां पे, सो आप उसको निकाल सकते हो। इन द सेम वे अगर ये नीचे जा रही होगी और यहाँ पे कुछ चीज अटक जाएगी, सो आप देखोगे सो ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे नीचे जा रही है, सो आप देख सकते हो ये हल्की सी ऊपर आ गई, सो दैट अगर कुछ यहाँ पे अटका है जिसकी वजह से कोलिजन हुआ है, सो आप उसको वापस निकाल सकते हो। सो ये फीचर मुझे काफी अमेजिंग लगा है, जो और किसी भी कंपनी की टेबल में नहीं मिलता है, एटलीस्ट मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे अभी तक नहीं दिखाता। दिस इज दी हेडसेट जिसके थ्रू आप अपनी टेबल की हाइट को एडजस्ट करोगे। यहाँ पे आपको 7 buttons मिलते हैं एंड साथ में मिलती है एक स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है ये पूरे टाइम ऑन नहीं रहती है, जैसा कि अभी आपने देखा। नाउ टेबल की हाइट को एडजस्ट करना काफी ज्यादा ईजी है। यहाँ पे आपके पास एरोज है, नीचे करना है अगर आपको हाइट को कम करना है, प्रेस एंड होल्ड करोगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल की हाइट एडजस्ट हो रही है, नीचे जा रही है। एंड यहाँ पे आपको हाइट इन सेंटीमीटर्स भी शो होता है। इन द सेम वे अगर आपको हाइट को इंक्रीज करना है, हाइट ज़्यादा करनी है, सो यहाँ पे आप अप एरो को प्रेस करोगे, प्रेस एंड होल्ड करोगे, कुछ इस तरीके से। नाउ अगर आपको अपना प्रीसेट सेव करना है, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड ईजी है। जस्ट यहाँ पे आपको प्रेस करना है एम बटन। फॉर एग्जाम्पल ये हाइट मेरी परफेक्ट है, इस पे मैं चाहता हूँ एक प्रीसेट, सो यहाँ पे मैं एम बटन को प्रेस करूंगा। एंड कौन से प्रीसेट पे मुझे सिलेक्ट करना है, सो दिस इज नंबर 3। सो ये 3 प्रीसेट पे अब सेव हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज 78.7। अगर मैं इसको और ऊपर करता हूँ और अगर अब मैं प्रेस करता हूँ 3, सो आप देख सकते हो ये अपनी पोजिशन पे आ जाएगा 78.7 पे। इन द सेम वे अगर मैं इसको नीचे करता हूँ एंड अब मुझे वापस उस पोजीशन पे चाहिए, उस हाइट पे चाहिए, सो जस्ट मैं प्रेस करूंगा यहाँ से नंबर 3 एंड ये अपनी पोजीशन पे, अपनी हाइट पे वापस आ जाएगा। ये जो हेडसेट है ये आपको टेबल के राइट साइड में मिलता है एंड ये दिखने में काफी क्यूट लगता है। हेडसेट के राइट साइड में आपको एक यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, सो यहाँ पे आप अपनी यूएसबी केबल को प्लग करके अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर कोई ग्रोन अप है जो बच्चों की तरह हरकत करता है, फालतू में इन बटन्स को प्रेस करता है, सो यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हो। आपको प्रेस करना है M बटन 8 seconds तक। LOC ये हो चुका है लॉक। अब आप कोई भी बटन प्रेस करोगे यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। अनलॉक करने के लिए अगेन आपको 8 seconds तक प्रेस करना है M बटन को। नाउ ये जो व्यू है ये टेबल के नीचे का व्यू है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो केबल मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से हुआ है। स्पेशली ये जो केबल मैनेजमेंट के लिए ट्रे है, इसके अंदर काफ़ी सारी केबल्स हैं, ऑडियो केबल्स हैं, पावर केबल्स हैं एंड आप देख सकते हो कितना क्लीन यहाँ पे दिख रहा है। एक इम्प्रूवमेंट की चीज़ जो यहाँ पे कंपनी ने करी है, मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी इस टेबल के ऊपर जो कि कुछ टाइम पहले की थी, ये जो कंट्रोल बॉक्स है वो दे रखा था यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता था एंड यहाँ पे अब कंपनी ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है, कंट्रोल बॉक्स को ये जो फ्रेम है इसी में इंक्लूड कर दिया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और भी बन गई है। एंड अगर मैं आपको यहाँ से भी नीचे करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे केबल्स कितने तरीके से मैनेज हुई पड़ी है। मैंने इस टेबल के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन ये वाला जो क्लिप मैं शूट कर रहा हूँ ये काफ़ी टाइम के बाद है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद मैं शूट कर रहा हूँ एंड काफ़ी सारे वीडियोस में आप इस टेबल को ऑलरेडी देख भी चुके हो। सो यहाँ पे मेरा एक यूज़र एक्सपीरियंस, एक रिव्यू भी यहाँ पे हो जाएगा इस टेबल के लिए। सो राइट नाउ आप देख सकते हो मैं इस तरीके से खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बैठे रहने से तो अच्छा है कि खड़े आप थोड़ी देर हो जाओ एंड ये काफ़ी यार मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ एक लगी है। एक मेंटली वाइज भी थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ा है इस तरीके से अगर आप काम करते हो, रादर देन वो बैठे रहो अपनी कमर झुका के, भले ही ऐसे बैठे हो या फिर ऐसे बैठे हो, इससे बढ़िया खड़े होके भी थोड़ा सा काम करोगे, दिमाग अच्छा चलता है एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस सेटअप। जैसा कि अभी आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ सेटअप है एंड अगर मुझे बैठ के अभी वीडियो बनानी है ना, सो जस्ट मुझे एक बटन को ही प्रेस करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, लाइक यहाँ पे जो मोटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है। अब बिल्कुल आवाज़ से मतलब है कि बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही मामूली सी आवाज़ होगी, बहुत ही मामूली सी आवाज़। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो
लाइक मैं अभी शांत हो गया था, चुप हो गया था, सो दैट आपको वो आवाज सुनाई दे. ऐसा कुछ भी चिर पिर घर पर कुछ आवाज नहीं है. मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, जस्ट मुझे कैमरा लेकिन सेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कैमरा सेट हो चुका है एंड आप देख सकते हो जस्ट अब मैं बैठ के काम कर सकता हूँ. चेयर आप देख सकते हो, मेरी पोजिशन आप देख सकते हो, टेबल आप देख सकते हो, सारी चीजें जस्ट एक क्लिक से. एंड अब मुझे अगर वापस खड़ा होकर काम करना है, चेयर को हटाया एंड उसके बाद प्रेस करा अपना सेकंड प्रीसेट जो कि यहाँ पे है, जिस पे स्टैंडिंग पोजीशन पे मेरे सेट है ये. अब कैमरा नीचे हो गया. सो इस तरीके का फीचर आपको कोई भी टेबल नहीं देती है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए. अगर आप देखोगे जिसमें वो रैक माउंट्स होते हैं, इसमें जस्ट एक मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कंपनी को, अगर यहाँ पे कुछ जैसे शेल्फ टाइप की चीज़ अगर आ जाए टॉप के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए. एंड यहाँ पे आप अपना जो स्टूडियो मॉनिटर है थोड़ा सा और हाइट पे ऊपर रख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा. इवन अगर आपको कुछ हार्डवेयर वहाँ पे माउंट करना है, सो दो या फिर छः हार्डवेयर आप माउंट कर सकते हो. सो उस तरीके की अगर एक शेल्फ बन जाएगी, सो कंपनी अगर ये चीज़ प्रोवाइड करती है, वैसे मेरा सजेशन है, तो दिस वन इज द बेस्ट. मतलब आफ्टर वो शेल्फ लग जाएगी, उसके बाद ये टेबल वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक टेबल्स, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए टेबल ये हो जाएगी. मेरा जो डिसीजन था इस टाइप की टेबल को ऐड करने का अपने सेटअप में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहा है. मतलब पैसा वसूल. हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि पैसा, मतलब जो इसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इन केस अगर आपको ऐसा लगता है, सो आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. लाइक यहाँ पे ये वाला जो टेबल है, दिस इज दी थ्री स्टेज. यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अभी इससे भी ऊपर बढ़ सकती है. आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आप टू स्टेज वाली यहाँ पे डेस्क ले सकते हो, उसमें आप काफ़ी आपका जो बजट है वो नीचे हो जाएगा. अगर इवन आपको तब भी बजट ज़्यादा लग रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक वाला नहीं ले सकते हो, मोटराइज नहीं ले सकते हो, आप मैनुअल वाली ले सकते हो. वहाँ पे आपका बजट और नीचे हो जाएगा. एंड उसके बाद जब आप देखोगे आपके बजट में भी वैल्यू फॉर मनी आपको डेस्क मिल जाएगी. सो मेक श्योर कि आप चेक करें अर्गो यू की वेबसाइट. एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से अगर आप जाते हो परचेज करते हो. तो अगर मुझे इसको मार्क्स देने पड़े ना, तो मैं 10 में से इसको ज़्यादा ही दूंगा, 11 या फिर 15 ही दूंगा. हाँ जी, मैं बिल्कुल ज़्यादा दूंगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट करा है. सो आप मेरे को बताओ आपको कैसा लगा है ये टेबल, ये डेस्क, एंड क्या प्लान है आपका इस वाली टेबल को या फिर इसके और मॉडल्स को ऐड करने का आपके सेटअप में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. सो दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.